गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इतना अच्छा फ्लावरिंग प्लांट लेकर आया हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। आप लगाने में भी इसकी दिलचस्पी दिखाओगे। मिराबिलिस जालपा इसको कहा जाता है। इसमें आपको और भी वैरायटी मिलती है कलरों के अंदर। बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। इसको आप ओनली सीड से ग्रोथ कर सकते हैं, अदर्स आप कटिंग से इसको ग्रो नहीं कर सकते। सीड से बहुत अच्छा ग्रोथिंग होता है, ये ओनली सीड से ग्रोथिंग होता है। आप इसकी कटिंग से ग्रोथ करोगे तो आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, अगर आप ट्राई भी करते हो फिर भी। तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा कि इसमें आप फर्टिलाइज़र में क्या क्या डाल सकते हैं, पानी कितना डालना चाहिए, केयरिंग की आवश्यकता कितनी होती है, और इसमें फ्लावरिंग आपको कब अच्छा मिलता है, कौन से सीज़न में कितनी अच्छी फ्लावरिंग मिलती है, ये फ्लावरिंग कब खिलता है। तो आज मैं आपको सारी डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी फ्लावरिंग। आपको ये फ्लावरिंग दिख रही है, ये गुलाबी कलर का फ्लावर है, और इसके पास देखिए आप काफ़ी सारी कलियाँ आ रही है जो नेक्स्ट डे खिलेगी। तो इसके फ्लावरिंग की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ कि इसकी जो फ्लावरिंग है ये शाम को 4 बजे से और मॉर्निंग के सुबह के 8 या 9 बजे तक खिलता है, मतलब पूरी रात भर खिलता है। दिन में ये फ्लावरिंग नहीं खिलता है, फूल नहीं खिल। इसकी जैसे आप ये कलियाँ देख रहे हो, और ये ऐसे कलियाँ दिन में बंद हो जाती है, शाम से लेकर सुबह 9 से 8 बजे तक के बीच में खिलता है। और इसके अंदर और भी कलर अवेलेबल होता है, आपको येलो में मिल जाएगा, मिक्स गुलाबी और पीले के अंदर जो आपको मिल सकता है, इसमें भी आपको वो नर्सरी से अवेलेबल हो जाता है। एक बार ये प्लांट ख़रीदने के बाद आपको कभी भी प्लांट ख़रीदने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो सीड्स होता है, उस सीड्स के बारे में आपको बताता हूँ। इसका जो सीड्स होता है वो जो काली मिर्च होती है उसके जैसा इसमें सीड्स आता है, और वो सीड्स काफ़ी हार्ड भी होता है। तो आप अगर जहाँ प्लांट लगाते वहाँ नीचे गिर भी मिट्टी में गिर जाता है तो वहाँ पे नया प्लांट निकल जाएगा। अगर आप चाहो तो उसके सीड्स को इकट्ठा करके तो आपके बगीचे में चारों तरफ लगा सकते हो, जैसे हमने लगा रखे। ये देखिए आप, ऐसे कवरेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। ओनली सीड से ग्रोथ होगा आपको। दूसरा मैं आपको फ्लावरिंग बताता हूँ, इसमें फ्लावरिंग कब अच्छी आती है। गर्मियों और बरसात में आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है, मतलब बहुत अच्छी देता है। ग्रोथ भी बरसात और गर्मियों में इसकी ग्रोथ होती है, और जो सीड्स होता है वो भी आपको बारिश के अंदर इसका सीड्स आपको मिलेगा, फिर वो सीड्स आप ग्रोथ कर सकते हो। सर्दियों में ये प्लांट के पत्ते झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, कोई कई कई प्लांट ख़राब हो जाते हैं, और इसमें प्लांट ख़राब होने से ये है कि इसकी जो शाखा है वो सारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जो इसकी जो रूट्स होती है वो आप देख सकते, जैसे शकरकंदी या मूली होती है, ऐसी होती है। जैसी सीजन गर्मियों का, बारिश का आता है, तो ये दोबारा ग्रोथ उसी में से ग्रोथ कर लेता है, और बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो सीड से हमने कितनी हमारे प्लांट निकले, जो ये देखिए आप, ये सीड से प्लांट निकले, आप देखिए और भी निकल रहे छोटे छोटे, देखिए ये सारे सीड से निकले, अभी इनमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट नहीं हुई है। और ये पहले के प्लांट हैं, जो देखें आप इसमें फ्लावरिंग आ रही है, ये खासियत है। दूसरा मैं आपको इसके फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा। इसमें फर्टिलाइज़र, जब हमारे पास फर्टिलाइज़र होता है तो आपके पास फर्टिलाइज़र है तो आप फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 महीने के अंदर इसके अंदर फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र में आप गोबर की खाद भी डाल सकते हो, और भी आपके जैसे आपके जो ये नीचे देखिए आप, इसके अंदर जो इसके पत्ते गिरे हुए उनको भी आप इसमें इकट्ठा करके इस पेड़ के साइड में दबा दीजिए, तो उससे भी खाद बन जाता है। तो आपको ऐसे भी आप खाद डाल सकते हो, बाद में आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपना खाद खुद ही बना लेता है, क्योंकि ये एक मतलब झाड़ीदार होता है,
स्पेस में कवर करता है स्पेस को, और खाद इसके पत्ते जो नीचे गिरते वे काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, तो इससे बहुत अच्छी खाद बन जाती है। अगर आपको और भी नहीं लगे तो आप खाद 6 महीने के अंदर डाल सकते हो। इसके पानी की बात करता हूँ मैं आपको, पानी आप इसको गर्मी में पर डे आपको पानी देना पड़ेगा, नहीं तो ये प्लांट दिन के अंदर मुरझा जाता है। गर्मियों में बहुत पानी की आवश्यकता होती है, तो आप इसको पर डे पानी दें ये, और सनलाइट फुल सनलाइट में आप इसको लगाएं, क्योंकि ये सनलाइट प्लांट है, लेकिन फ्लावरिंग आपको रात की टाइम भी इसको फ्लावरिंग मिलेगी, शाम को 4 बजे से सुबह 9 बजे तक आपको फ्लावरिंग देगा, लेकिन इसको सनलाइट में लगाओगे जब भी आपको इतने अच्छे फूल मिलेंगे, नहीं तो अगर आप इसको छांव में लगाओगे तो आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पाएगा प्लांट, थोड़ी बहुत ग्रोथ कर लेगा तो फ्लावरिंग नहीं दे पाएगा, बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं दे पाएगा। और ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, सब प्लांटों में सबसे ज़्यादा ग्रोथिंग करता है, आप देख सकते हो। ये देखिए ये प्लांट 15 दिन का प्लांट है, आप देख सकते हो कितनी हाइट हो गई है इसकी, और उधर भी लग रहे हैं, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे प्लांट हैं ये। और इसकी एक खासियत है, अगर आपने एक बार लगा लिया तो ये कभी ख़त्म नहीं होता है, अगर आप इसको जड़ से भी निकाल देते हो तो इसके जो 1-2 सीड्स रह जाएंगे फिर वो उग जाते, एक भी सीड्स ख़राब नहीं होता है, आप उनको लगाओ या मत लगाओ, अगर सीड्स नीचे पेड़ के नीचे गिर गया है तो वो निकलेगा ही निकलेगा। और ये आपके मतलब सर्दी ख़त्म होने के बाद आपको ग्रोथिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है प्लांट की ग्रोथिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत फास्ट ग्रोथिंग होती है। जैसे आप देख सकते हो ये फ्लावरिंग देखो कितना अच्छा फ्लावर आ रहा है। दूसरा ये कलिया देखिए आप, ये कलिया है, ये नेक्स्ट डे अभी जैसे मान लो कि आपको ये देखे ये कली ख़राब हो गई, अब इसकी जगह जो ये बचा है इसमें सीड्स बनेगा, सीड्स बनने के बाद काफ़ी सीड्स रहता है, कच्चा नहीं कच्चा होगा, जो हरा हरा होगा बाद में पकने के बाद काला काला हो जाता है। तो आप ये मीरा ब्लिस जालपा प्लांट ज़रूर लगाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर जैसे आप शाम के टाइम गार्डन में बैठते हो तो आपके गार्डन में चारों तरफ ये फ्लावरिंग दिखेगी, तो मेरे हिसाब से आपको ये प्लांट लगाना चाहिए, आपके कोई खर्चा नहीं आएगा, बिल्कुल खर्चा नहीं आएगा, एक बार आपको ये एक बार खर्चा होगा उसके बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप भी खुश होंगे और आपके जो और भी आएंगे वो भी इसको लगाने के लिए आपको आप उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको पसंद भी आता है, काफ़ी लोगों को पसंद आता है, मेरे यहाँ से काफ़ी लोग सीड्स लेके गए हैं इसके और उन्होंने ग्रोथ कराया, बहुत अच्छा प्लांट है, केयरिंग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस पानी आप टाइम टू टाइम डालें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फुल सनलाइट में लगाए। थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।